इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां आज मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट पेश होने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आज अपना 7वां बजट पेश करने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें कई अहम चीजें इसमें शामिल होंगी, होम लोन में भी बड़ी राहत मिल सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बजट को लेकर, जहां मध्यम वर्ग को भी आज राहत मिल सकती है। ऐसे कुछ बड़े ऐलान आज किए जाएंगे। आज 7वां बजट एक बार फिर से निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। महंगाई से राहत देने के लिए भी कई बदलाव हो सकते हैं। टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर फोकस किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर भी विशेष फोकस आज रहेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट पेश होने वाला है, और इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बजट की कॉपी भी सौंप दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आज वो अपना 7वां बजट पेश करने वाली है। सुबह 11 बजे लोकसभा में आज ये बजट पेश किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। किसान, रोजगार, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया गया है। और मोदी 3.0 सरकार का ये पहला आम बजट माना जा रहा है। टैक्स स्लैब में भी बड़ी छूट मिल सकती है, होम लोन में भी बड़ी राहत मिल सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि संसद भी पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इस बजट को लेकर पूरी तरह से चर्चा हो चुकी है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। महंगाई से राहत देने के लिए भी आज कई बदलाव किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 बजे का वो समय है जब बजट का ऐलान किया जाएगा। टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर भी विशेष फोकस होगा। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त संसद पहुंच चुकी हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बजट की एक कॉपी भी सौंप दी है। आज मोदी 3.0 सरकार का ये पहला आम बजट पेश होने वाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 7वां बजट पेश करेंगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा में ये बजट आज पेश किया जाएगा। इसमें तमाम बिंदु शामिल किए गए हैं। किसान, रोजगार, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। टैक्स स्लैब में भी आज छूट मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोदी 3.0 सरकार का ये पहला आम बजट है। इसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। होम लोन में भी बड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। साथ ही बता दें कि मध्यम वर्ग पर विशेष फोकस किया गया है, और उनकी राहत देने के लिए भी कई बड़े ऐलान आज किए जाएंगे। महंगाई से राहत देने के लिए भी आज कई बड़े बदलाव होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर फोकस किया जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान होंगे। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर भी विशेष फोकस आज इस बजट में रहने वाला है। 11 बजे ये बजट आज पेश किया जाएगा। किसान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान होगा। साथ ही आपको बता दें कि आज मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। इसको लेकर पीएम मोदी पहले ही ये तस्वीर साफ कर चुके हैं कि विकसित भारत की आधारशिला ये बजट रखता हुआ नजर आएगा। 2047 का जो लक्ष्य है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उसको लेकर ये बजट तैयार किया गया है, जिसमें किसान, रोजगार, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया गया है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विकास भारत की एक नई आधारशिला रखी जाएगी, क्योंकि मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट माना जा रहा है। और 5 साल के लिए ये जो आधारशिला रखी जाएगी कि 5 साल में जो मोदी 3.0 कैबिनेट है वो किस किस वर्ग के लिए काम करती हुई नजर आएगी, किस समुदाय पे, किस क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा, वो तमाम चीजें आज के बजट में शामिल की जाएंगी। महंगाई से राहत देने के लिए भी कई बदलाव आज किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए संसद भी पहुंच चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो बजट की एक कॉपी सौंप चुकी हैं, जिसमें किसान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर आज बड़े ऐलान होने का भी संभावना जताई जा रही है। आज ये मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां हो गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि कल से संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल भी अर्थव्यवस्था को लेकर, बजट को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, जिसके बाद आज आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आज ये पहला आम बजट मोदी 3.0 सरकार का पेश किया जाएगा, जिसमें किसान, रोजगार, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त संसद पहुंच चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बजट की एक कॉपी भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। आज के इस बजट में मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि महंगाई से भी लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश की जाएगी।
मोदी 3.0 सरकार का ये पहला आम बजट आज माना जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है उस पर भी लेकर इस बजट में विशेष फोकस किया जाएगा। साथ ही मोदी 3.0 सरकार का ये जो आम बजट है इसमें आगामी 5 साल में मोदी सरकार किन किन अहम फैसलों पर फोकस करेगी, क्या कुछ अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे, इसको भी बजट में शामिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ही अपना 7वां बजट पेश करने वाली हैं और एक ये नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। सुबह 11 बजे लोकसभा में ये बजट आज पेश किया जाएगा जिसमें किसान, रोजगार, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक विशेष फोकस भी है। टैक्स स्लैब में भी आज बड़ी छूट मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि महंगाई से लोगों को बचाने के लिए भी आज कई बड़े बदलाव होंगे। होम लोन में भी आज बड़ी राहत लोगों को दी जा सकती है।